हेलो यूट्यूब फैमिली, सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी और हैकर से भरी इस दुनिया में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, क्योंकि इस गेम का नाम वॉच डॉग लेगन है। तो यार, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं लास्ट एपिसोड के बारे में। तो यार, फाइनली क्लेन कैली का रेजिडेंस पता चल चुका था। कैटिन लाओ ने बताया था कि वो कहाँ रह रही है, तो हम जाते हैं क्लेन कैली के रेजिडेंस में और क्लेन कैली की एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखने के लिए। वो भाई अब नेक्स्ट क्या करने वाली है, तो वहाँ जाते हमें देखने को मिलता है कि वह बहुत सारे लोगों को क्लेन कैली ने अपने मकसद के लिए किडनैप किया हुआ है, जिसमें से एक लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके पर्सनल क्लेन कैली के पीए ने उसे पकड़ लिया होता है और वो लेके जाता है क्लेन कैली को। क्लेन कैली ने जो चिप लगाई होती है उसको एक्टिव करती है और वो वुमेन वहीं मारी जाती है। तो सारे डर जाते हैं और क्लेन कैली पीटर को ऑर्डर देती है कि वो इन सबको इकट्ठा करे और इनको फौरन ट्रांसपोर्ट करे, क्योंकि उसको एक ऑर्डर मिलता है, क्योंकि क्लेन कैली ड्रग्स माफिया और वेपन्स के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बिजनेस करती है। तो अब हमें जाना है एक एल्बियन फैक्ट प्राइवेट मिलिट्री कंपनी में, जो कि पब्लिक सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट की धज्जियाँ उड़ाती है। और जब से लंदन में अटैक हुआ है तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो अब हमने वहाँ जाना है और वहाँ पर वेपन कैश को उड़ाना है, जो कि ज़ीरो डे और ये सारे जितने भी यहाँ के माफिया बॉस हैं क्लेन कैली अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोगों में टेररिज्म फैलाते। तो हम वहाँ जाते हैं, सारा कुछ जितने भी वेपन्स होते हैं सबको उड़ा देते हैं और वहाँ से निकलने के बाद NHS नेशनल हेल्थ सर्वर को कनेक्ट करते हैं, ताकि हम अपने एजेंट से मिल सकें जिसका नाम नेथिन होता है, जिसको क्लेन कैली के बारे में एक और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम जाके नेथिन से मिलते हैं। तो नेथिन बताता है कि भाई क्लेन कैली एक ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस करती है और उसकी एक एम्बुलेंस जिसमें इंसानी ऑर्गन्स पड़े हैं वो उसको दूसरे लोगों को सप्लाई करने वाली है। तो यार, हम वहाँ पहुँचते हैं और एम्बुलेंस स्टील करते हैं वहाँ के गैंग से, जो कि क्लेन कैली की पर्सनल गैंग होती है। वहाँ से लेने के बाद अपनी ही लोकेशन पर उसे छुपा देते हैं। तो यार, ये था लास्ट एपिसोड। तो अब एपिसोड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये एरिया पहले क्लियर करते जाते हैं, मैं ज़रूरत तो नहीं है लेकिन खड़े हैं इस एरिया में, क्यों ना कि जितने यहाँ पर गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर है या सिक्योरिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी, इनको उड़ा के चलते हैं। कोई और देख लूँ मैं, ताकि ये ना हो इसे मारते हुए पकड़े जाए। दो तो यहाँ घूम रहे हैं। अच्छा, पावर बढ़ती जा रही है, दो हिट के ऊपर ये काम तमाम हो जाता है। आजा आजा आजा, ओए शिट शिट शिट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लड़ाई करेंगे लड़ाई। एक और ने भी देख लिया, दो और आगे, चलो दो ने देख लिया, काम ख़राब ही ना हो जाए यार, ये ना हो लेने के देने पड़ जाए। चलो ये तो गया, दो हैं पड़े, यहाँ से निकलते हैं। अब ये फॉलो करेंगे सेम सीक्वेंस जैसे मैं भाग रहा हूँ दीवारों से फ्लांग कर। बस वो फंस गए 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 गए, काम लग गया। डॉच करते हैं, अभी मारते नहीं है इनको, अगर मैंने वेपन निकाले इन्होंने भी निकाल लेना है। भाग भाई भाग भाग मिका भाग। असल में यहाँ पर कोई वो ये लोगो बना हुआ है ना, यहाँ कुछ ना कुछ है छुपा हुआ। बस अब सारे आ जाएंगे, सबको पता लग गया। वो गोलियां ख़त्म, गोलियां ख़त्म, रीलोड कर लेता हूँ। कोई लग जाए यार, सारी गोलियां जा रही हैं। वो इनके पास स्पाइडर बो है लेकिन उसके अंदर कुछ लगा हुआ है, फट भी सकता है। शिट 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 शिट। अच्छा अच्छा, इंजर हुआ है, इंजरी हुई है, तो ये थोड़ी देर बाद हम अपना ये करेक्टर वापस ले सकते हैं, अरेस्ट नहीं हुआ। हाँ, ये प्राइवेट सिक्योरिटी थी, गैंगस्टर थे, अब हमने न्यू करेक्टर ले लिया। इसकी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है इस करेक्टर की। अब हमने ढूंढना है कि यहाँ है क्या, यहाँ जाने की लोकेशन ढूंढनी है हमने। पहले जो मिलता है उसको उड़ाते हैं, देखते हैं ये कितनी हिट में मारती है। ओ भाई, सिंगल हिट में काम तमाम, वाह भाई वाह, स्किल्स अच्छी हैं भाई इसकी मारने की, फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और है कोई? सारे मारे गए हैं, कोई नहीं बचा। स्कैन एक मिल गया, स्कैन कर रहा हूँ ना साथ साथ, ताकि पता लगता रहे कि ये नौ करीब जा खड़े और वो हमें देखे हम उसको प्यार हो जाए, ऐसा नहीं।
उप्स, उसको जंप से आइडिया हो गया और उसने हमें डिटेक्ट भी कर लिया। कोई नहीं, ये फाइटिंग स्किल, ऑसम फाइटिंग स्किल। अभी से ओए शिट शिट, नहीं लगा, नहीं लगा स्टंट। इसका मुंह तोड़ेंगे, सबर कर दो। ये ले मुंह वाला मुक्का खा दो। स्किल्स अच्छी हैं लेकिन यार इनकी भी पावर बहुत ज्यादा है। अब लगा है शॉट। शिट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो लगी है ना भाई। अच्छा काम तमाम। इसको कैसे ओपन करेंगे? कैमरा से लगता है ओपन होगा क्योंकि सिक्योर जगह है बिल्कुल। हाईजैक करते हैं कैमरा, एक अंदर भी है। कोई नहीं, ट्रैप भी है यहाँ पे। ये गया अंदर और उड़ गया और साथ ही सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गया। एक तीर से दो निशाने। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या मिलता है। उस स्कोप का लोगो बना हुआ, हमने वहां पर भी जाना है। देखे तो सही वहां है क्या। पहले ये पॉइंट्स ले लें, टैग पॉइंट। बाहर से निकलते हैं, बाहर से ही मिलेंगे। यहां से अपना स्पाइडी भेजते हैं अंदर। ये मिल गया टैग पॉइंट, काम तमाम। अब जरा ये ढूंढ के आते हैं, ये चीज है क्या बेसिकली। लगता है यहां से जाना पड़ेगा। इनका अपना स्पाइडी भी है लेकिन मैं अपने स्पाइडी से जाऊंगा। ओए पूरी टनल बनाई हुई है ने, बेस बनाई हुई है पूरी नीचे। आते कैसे होंगे पता नहीं इसके अंदर। आगे पानी है, पानी में नहीं लगना चाहिए स्पाइडी। इलेक्ट्रिक है ना, कुछ भी हो सकता है, रिस्क नहीं ले सकते। पानी में नहीं लगना चाहिए, पानी में नहीं लगना चाहिए। चलो बच गए, पानी से तो बच गए। ओहो ये पड़ा है लैफी। कैमरा है ये क्या? चैलेंज कंप्लीटेड, एविडेंस कलेक्ट करने थे। चलो ये तो हो गया, काम खत्म हो गया। अब डायरेक्ट निकलते हैं यहाँ से। कुछ और देख लूँ मैं, कुछ और ऐसे मिले ना, वो तो हम खड़े हैं। यार ये बड़ा अच्छा तरीका है कि ड्रोन को वापस नहीं लेके आना। सॉरी इसको, ड्रोन ही एक तरह का, ये भी वापस नहीं लेके आना परचेस पार्टी रोबोट को, डायरेक्ट वहीं से हो जाता है। चलो ये लोकेशन तो होगी क्लियर, अब यहाँ से निकलते हैं। जंप ही कर लेते हैं क्योंकि रास्ता तो मिल नहीं रहा एग्जिट पॉइंट। गाड़ी तो बढ़िया ओसम खड़ी है भाई। इसके पास कोई ड्रोन नहीं लेकिन वेपन ओसम है इस न्यू ऑपरेटिव के पास। इसकी ड्रेस भी चेंज करते हैं, आगे देखते हैं कितनी देर सरवाइव करता है, करती है सॉरी। गाड़ी तो बड़ी मज़ेदार है भाई। यार मेरे ग्राफिक्स चल रहे हैं अल्ट्रा पे, गेम सेटिंग अल्ट्रा पे, और मेरी एलईडी है ना वो ज़रा इतनी अच्छी, मतलब कि फुल साइज़ नहीं है, छोटी है, इसलिए ये लैग होता है थोड़ा थोड़ा ना। मिशन ले लेते हैं पहले, मेन क्वेस्ट। ख्याली
जीरो डे और साथ एल्बियन था मेरे ख्याल सीईओ जो है वेपन फैक्ट्री का। मैप ऑन करके लोकेशन के बारे में पता कर लें भाई हमने जाना क्या है। उप्स, काफी दूर है लेकिन गाड़ी पर जाएंगे। 404 को एक्सेस करना है। 404 के सीटीओ है आपको। 404 बेसिकली एक हैकर का ग्रुप है जिस जो के लोगों को हायर करती है और अपने डेंजरस जॉब्स करवाती है, डेंजरस मिशन कराती है और ये डेट सेक की दोस्त है। लेकिन 404 का ना ही सेफ हाउस है ना ही हेडक्वार्टर, क्योंकि इनके बारे में किसी को नहीं पता। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैकर का ग्रुप है। सी टी ओ एस का तो आप लोगों को वैसे ही पता है, ये तो इंटरलिंक है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के साथ। पूरे लंदन में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनके साथ इंटरलिंक, जो कि हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये हमने इसको कनेक्ट करना है अपने साथ और 404 से बात करनी है। 404 जो कि ग्रुप है हैकर का। वो यहाँ से जंप करते हैं लेकिन करीब से करूँ, गिरी ना जा पानी के अंदर। थोड़ा दूर से आना चाहिए था मुझे। गाड़ी गई, अब थोड़ा और टाइम लगेगा, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। है तो काफ़ी दूर, देखते हैं आगे कोई गाड़ी मिलती है तो निकलते हैं। वो मिल गई गाड़ी, ये खड़ी है गाड़ी, पिदको सी गाड़ी लेकर इस पे निकलते हैं, छोटी सी गाड़ी। ओ भाई ये तो ड्रिफ्टें मारती है, ये तो कंट्रोल में छोटी सी इधर उधर भाग जाती है। ये तेरी है, जल्दी जल्दी लोकेशन पे पहुंचते हैं। तो भाई साहब ये पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे। यहाँ क्या चल रहा है, ये हमारे एक और ऑपरेटिव खड़ा है। अच्छा इसमें ऑपरेटिव ऐसे घूमते रहते हैं, कभी भी किसी को भी एक्सेस कर लो, ये चीज़ अच्छी है। ये किसको पकड़ा हुआ है इन्होंने, कमीनों ने, एजेंसी वालों ने? इसको तो मार के जाऊंगा। चल भागो सारे, आजादी। Sorry, Bedrin, but it's always like that. न्यू ग्रुप बन चुके हैं हमारा, काफी न्यू लोग आ चुके हैं हमारी सिंडिकेट में अभी। प्लीज एक तरह का एक स्टार लगा हुआ है अभी हमें, प्लीज का। वो पीछे से आ रही है, यहाँ से भागते हैं। ये चेक पॉइंट लगी हुई है जो येलो वाली है, रेड रेड शो हो रही है मैप में, पूरा एरिया ये चेक पॉइंट्स है। अगर यहाँ इस चेक पॉइंट से गुजरे ना तो डिटेक्ट कर लेंगे फौरन से ही।
अब जब तक तो कूल डाउन नहीं होता इस साइड से तो गुजर ही नहीं सकते ना वैसे। वो CTS शो हो रहा था अभी, येलो येलो सा CTS हब जिसको कनेक्ट करना है हमने। कपड़े चेंज नहीं कर सकते अभी, क्लोथ चेंज करने थे क्योंकि ये फजूल से इसने पहने हुए हैं। जब तक ये कूल डाउन नहीं होता नहीं कर सकते कुछ भी चेंज। अब ये फुल कूल डाउन होगा, ये ब्लू वाली भी ख़त्म होगी, फिर हम चेंज कर सकते हैं क्लोथ्स। कूल डाउन हो गया, क्लोथ चेंज करते हैं इसके। जैकेट ले लेते हैं बस एक अच्छी सी। इतना ज़्यादा भी नहीं लेते क्योंकि फिर कोई पता नहीं कब भी इसका नंबर लग जाए और ये पकड़ी जाए। वो ये तो बहुत महंगी है भाई। समझ नहीं आ रही कौन सी लूँ, ये सही नहीं भाई, यही सही है यार, जल्दी जल्दी लें। देख लेता हूँ फिर भी शायद कोई मिल जाए। बस ठीक है, सिलेक्टेड। वार्डरोब चेक कर लेते हैं, मास्क, कौन सा मास्क लगाए इसको यार। नहीं ये फजूल सा है, ये भी नहीं अच्छा। ओ ये सही है, हाँ बस ये सही है, डन। चलो अब अंदर चलते हैं। That's the CTOS up there. ये तो सामने ही है बिल्कुल। कनेक्ट करते हैं इसको। If you were listening to this, it means you want to learn more about 404. Know what we know. Do what we do. Make your way to the walkie-talkie club. It's no big secret that the club is a front for Clan Kelly, but the place has other secrets too. More will be revealed there. The hub just dumped a massive load of data into your optic. How forward? तो यार वॉकी टॉकी क्लब जो है ये है क्लैन कैली का क्लब है, तो ये मतलब ओपन क्लब कोई भी जा सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही सीक्रेट काम होते हैं जिसके बारे में 404 ने बताया, जो कि हैकर का एक ग्रुप है। उन्होंने हमें बताया कि इस क्लैन कैली इसमें बहुत सारे सीक्रेट काम भी करते, तो हमने जाके वो इन्वेस्टिगेट करना है कि इसके अलावा क्लब चलाने के अलावा उसमें और क्या क्या इलीगल एक्टिविटी होती है। You must have reached 20 Fenchurch Street. The walkie-talkie club is located at the top of the building. Lift access only. You have arrived at the walkie-talkie club, where those with more money than sense come to lose both. Oh ho, तो भाई यहाँ पर ये कांड हो रहा है, ये तो facial recognition AI.
तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस के पास जो कि फेस को डिटेक्ट करती है किसी भी फेस को, ह्यूमन फेस को, और जब वो फेस किसी ह्यूमन को डिटेक्ट करता है तो ये सेम पोस्चर उसका बना देता है, सेम पैटर्न से उसके फेस के फीचर्स को ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने लिए बना लेता है। मतलब ये कि सेम पैटर्न से जैसे ह्यूमन एक्टिविटी करेगा तो ये सेम उसी पैटर्न से उसका एक एआई बना देगा। I've done some digging and it looks like the facial recognition AI was created by BrokerTech. AI जो है यार वो BrokerTech ने बनाया था जो कि इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जिसने ये फेशियल रिकॉग्निशन बनाया था। Everything the AI is collecting here is being sent directly to BrokerTech HQ. We have to go there to get the data. अब हमने मेरे ख्याल BrokerTech हां इनके हेडक्वार्टर में जाना है BrokerTech के। ओ आंटी गड्डी दे अपनी, स्टील का ऑप्शन ना आ जाना फिर पुलिस लग जाएगी, इसलिए ज़रा इंतज़ार कर रहा हूँ। आया नहीं है, बस ठीक है फिर, ये तो फ़ायदा हो गया। अब BrokerTech चलना है हमने क्योंकि वहीं पर है एआई फेशियल रिकॉग्निशन। For what many may think an unlikely type of crime, namely non-violent crimes committed by people over the age of 75. Impoverished elderly are turning to crime in the hopes of gaining free room and board. Join GBB as we look into the last resort of elder care. अबे साले रास्ता दे दो, तेरे क्या जाता? सफ़र बहुत ज़्यादा है और यहाँ तो सारी पुलिस खड़ी है कुछ जगह, यहाँ साइड से निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हाईजैक करते हैं और ये बंदा उड़ा दिया। ओए यार ये तो मैं भी फंस गया हूँ बीच में, मैं सोचा शायद निकल जाएगा बंदा बीच में से। इसको छुड़वा लेते हैं एक मिनट, उप्स गाड़ी थोड़ी और पीछे करनी पड़ेगी। चलो गाड़ी यहीं छोड़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं, इनको मारते हैं। ओए यार नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा, टेक डाउन का ऑप्शन नहीं आया, कोई बात नहीं ऐसे लड़ते हैं। ब्रेक करते हैं ब्रेक, एक तेरी खैर फौरन
कवर कर लेते हैं ये लोग अपने आप को। कोई नहीं कोई नहीं यार, बगैर वेपन के लड़ेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये कुम फुकराटा। दो है, दो, एक तो गया, एक रह गया। तू भी जा, फिर साले ने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। वो दो और आ गए। अब काम थोड़ा ख़राब होने वाला है, लेकिन बगैर वेपन के। वेपन यूज़, शिट 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 शिट, वेपन यूज़ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तू भी जा, ऐसा ऐसा मारना है एकदम नहीं। चलो और छुट्टी करो भाई, दो रह गए। वेपन, हाँ सही है, लेकिन वेपन से मारा नहीं है। वेपन लेके डर गया। बेस्ट वेपन है भाई इसके पास, इस ऑपरेटिव के पास अपने। ये उड़ के शॉट मारी। ओ यार मर जा साले, आखिरी है तू, खत्म। मज़ा आ गया वैसे लड़के। जल्दी चलते हैं लोकेशन पे अपनी, रॉक अटैक पे। ये ऑटोमेटिक चल रही है, ये लैंड रोवर, इसी को ले लेते हैं। Possible hostiles near your location. Monitoring for unusual activity. Suspect is unsighted. Unsighted sweeping area. चुके हैं ब्रोकर टेक हेडक्वार्टर। हमने यहाँ से इरेज करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुकम्मल तौर पे इनके सर्वर से, ताकि ये उसे कंट्रोल ही ना कर सके। ड्रोन स्पाइडी फेंकना पड़ेगा अंदर। स्पाइडी तो गया अंदर, लेकिन इसके मैं देख लेता हूँ कोई और लोकेशन मिल जाए ना अंदर एंट्री की, कोई और एंट्री पॉइंट, क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट लग रही है मुझे। टफ एंड टाइट। अगर यहाँ से गया फिर पकड़ा जाऊँगा, फायदा नहीं है। वही सही जगह फिर वहीं से चलते हैं। स्पाइडी को हाईजैक करते हैं और उसे, वो सबसे पहले तो ये गेट ओपन करते हैं ना। काफ़ी आगे तक गया हुआ, ऊपर है बड़ा। बस इसको ओपन करते हैं और अंदर एंटर होते हैं जल्दी से। हो गया ओपन। कोई है?
डेटा ड्राइव बढ़िया ये ले लेते हैं। एक नीचे खड़ा तो है कोई सिक्योरिटी गार्ड। अगर ये यहाँ पकड़ी गई तो ये भी अरेस्ट हो जाएगी। एक गया डेटा ड्राइव। ऊपर चलते हैं अब। ओ शिट शिट यार मैंने देखा नहीं। बस उसने डिटेक्ट कर लिया, पकड़ लिया उसने। फॉलो करेगी अब ये, आप कोई फायदा नहीं है, पकड़ लिया उसने। लेकिन अगर वेपन निकाला फिर काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इसको ऐसे ही मारते हैं, कोई और ना आए। ओए बस दूसरे ने डिटेक्ट कर लिया, तीसरे ने भी। अब काम हो चुका है प्रॉपर तौर पर खराब। इसके पास तो ड्रोन देख रहे हैं, कौन है ये ड्रोन आया हुआ है यार। इसकी तो एक गोली और काम हो जाए बस। लेकिन अब उनके पास वेपन बहुत कमाल है। ड्रोन उड़ाते हैं पहले। एक ये रहा, एक यहाँ। ओए पावर डाउन, पावर फुल टाइम डाउन। शिट। ओए लग गई गोलियां भाई, बस कर। शिट कवर नहीं ले सका सही। अब मुझे एक और करेक्टर लेना पड़ेगा यार। इसके पास वेपन बहुत प्यारे थे। ओ इंजर्ड थी ना। हाँ गाड़ी प्यारी है। ओ ये एक तो ये खड़ा सामने मिल गया। इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर पीछे से जाके थोड़ा। किसी को दो मारती है, किसी को तीन मारती है ये स्क्रू रैंच। ऊपर वाले को मारते हैं जिस कमीने की वजह से पहले ऑपरेटिव हमारा एक अरेस्ट हो चुका है। मास्क मिला है। ये रहा, इस कमीने की वजह से काम खराब होता पहले। चल जा छुट्टी कर। यहाँ कुछ और मिलता है नहीं, एरिया पूरा लॉक्ड है। वही नीचे से जाना पड़ेगा। वंडर वूमेन बनी हुई है ये तो। स्पाइडी को भेजते हैं यहाँ से। ये भी अच्छा खासा एरिया पे लॉक है मुझे लगता है। इसका भी पैनल कहाँ है, ये रहा पैनल मिल गया। और ये तो इजीली ओपन हो गया। चलो अब अंदर चल के ना इरेज कर लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी। सिक्योरिटी टाइट है भाई, यहाँ से देखना ले। ये इससे पहले देखने से पहले इसको उड़ाते हैं। ओए यार फंस गए, क्या मुसीबत है भाई। प्रोपर अटैक भाई, खतरनाक जगह। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और खतरनाक सिक्योरिटी। फॉरन डिटेक्ट कर लेते हैं।
भाग हाँ ठीक हुआ ना। एक ऊपर है, ऊपर जाके इसको उड़ाते हैं। यहाँ से ये नहीं जा रही, बुलेट क्रॉस नहीं हो रही। इसका मुंह उधर है और इससे पहले इसको उड़ाते हैं। वो डिटेक्ट करने लग गया उसे, लास्ट लोकेशन का पता है। ये लगा शिट 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 आया हुआ था भाई। जान छुटने वाली थी, फिर पता वो एक सामने आया। मुझे लगता है इसका भी आज काम लग जाएगा। इस ऑपरेटिव का भी न्यू ऑपरेटिव लेना पड़ेगा। नहीं लग रहा, रीलोड कर लिया। नीचे भी एक है तो सही, लेकिन नजर नहीं आ रहा। इसको मारते हैं पहले। यहाँ से नहीं लेगी और आगे नहीं लगे। और चुपके में फिर उड़ाते हैं इसको। भाग पीछे भाग भाग पीछे भाग। चल काम हो गया, आखिरी नीचे रह गया। और हमने जाना है इसके अंदर, सिक्योरिटी रूम के अंदर। मिल ही नहीं रहा ना यार ये नीचे वाला सिक्योरिटी। यहाँ ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी लग रही है मुझे। यहाँ से वो भेजना पड़ेगा स्पाइडी। मैं इसलिए यहाँ बिजी हो जाऊँ, फिर से उड़ा दे। हाँ ये मिल गया, इसको उड़ा देते हैं फिर चलते हैं। अब तो आखिरी है, इसको उड़ा ही देते हैं। अब तो गोली की आवाज़ नहीं सुनाई, कोई मसला नहीं। चलो अब चलते हैं स्पाइडी से अंदर। बाद में ये तंग बहुत करता, मैं अंदर होता और ये पीछे से मुझे डिटेक्ट कर लेता और काम हो जाता। टाइट सिक्योरिटी इज रेड, जो लाइन चल रही है जोन, इसको टच हुआ तो अलार्म बज जाएगा। ओए होए भाई ये कैसा है लॉक। चलो अनलॉक हो गया एक, ये इजीली जब होते जाते हैं फिर मजा आता है। ओपन ही कोई नहीं हो रहा। ये कहाँ जा रहे हैं? इसके ऊपर है लगता है, और दूसरे लोग। हाँ इस पे भी है, हो गया ना। और सामने सामने वाली पे भी है। जंप करते हैं यहीं से, जंप हो गया। अनलॉक क्यों नहीं हो रहा ये? सारे रेड हो गए। क्या करूं भाई, कोई और ऑप्शन कि मुझे कोई और नजर ही नहीं आ रहा। सर्किट ब्लॉक हुआ पड़ा हो जो नीचे तो है, वो लॉक्ड है। अब हो गया अनलॉक। ये लास्ट हो गया नेटवर्क सिक्योर्ड। सॉरी हाई हैक किया एक रंग का सिक्योर्ड क्या? God, people are disgusting. I wonder how this family values politician will appreciate his S&M sessions on public display. Oh well, let's find out. Blackmail data is hereby leaked. Escape करते हैं अब यहाँ। Brilliant. ये लगा जाम। टैग पॉइंट लेते चलते हैं यार, काम आते हैं। टैग पॉइंट नहीं छोड़ सकते किसी सूरत में भी। अरे कहाँ से निकलना है, भूल भुलैया में फंसे हुए, यहीं से निकल जाते हैं। पहले ऑफ कर दें इसका डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर, और ये निकल आए बाहर।
हो फाइनली ये सामने वाली गाड़ी लेते हैं, बल्कि ये रेंज रोवर लेते हैं। बड़ी मजेदार गाड़ी है ये। Bam, that's a good day's work. Hand over the crypto. I'd say it's a thankless job, but someone just sent us a video link named thankyou.mp4, so at least it's a one thank job. All right, show me. You have completed your first contract with 404, the dark web's first peer-to-peer activist network. I am in the network. I give the contracts. I'm nobody. I'm now. I'm also connected to your optic now, so let's see who you are. Hold on. Are you a dead sec? Oh, this is fucking mint, this. Yeah, that's more like it. Fortune's smiling on us today, dead sec. The world is fucked. We can help each other set things right. I'm at Somerset House staking out contracts. Come and find me. Let's talk. Laters. Who was that, Bags? I've run Nout's name and face through the usual databases and turned up nothing. Oh, Nout. Right, just got that. Worth the risk, in my opinion. She seems like a real DedSec fan, and I'd certainly rather have her as a friend than an enemy. If she isn't with Zero Day, she might know who is. And if she is with Zero Day, it's probably a trap. Either way, we'll have new information. Totally. Let's do this. Building a resistance group requires operatives with specialized skills. Technical abilities, firearms handling, and physical training are all valuable. Bare-knuckle boxing rings are a good place to find people who are good at throwing punches, or taking them. By defeating each opponent in an arena, you'll have an opportunity to face its best fighter. Prove your physical superiority and they may consider joining DedSec. I'm guessing that's some sort of primate society thing. Your somewhat reckless teammate has got themselves thrown in the old clink, I'm afraid. Difficult to resist oppression from behind bars. It will be a while before they're available. Pro tip, however, why not recruit a barrister to the team? I mean, no one exactly likes a barrister, but they do have their function. They should be able to shorten the jail time of imprisoned operatives. The thing you're after is around here. तो भाई अब हमने जाना है इस समरसेट हाउस में और एवी सर्वर है उसे हमने एक्सेस लेना है नॉट एवी सर्वर डिटेक्ट कर लिया कमीने ने साले ने वही आज बाहर आ जा अकेले में मारूंगा ताकि अंदर वालों को पता ना लगे एक ब्रेक ब्लॉक कर रहा है ब्लॉक चल जा चुकी है बाय बाय
begin with. Forgot what no outing means. You can't be out. I'm talking. Oh, fuck. Think that's a lie? I don't want to get involved. You want to go? Suspect or suspects reported near your location. Received. Let's keep this by the book. Over. My cats brought Maggie to your Nout? Hey, you made it. Is this like a bad time? What? Oh, yeah. He thought I was trespassing. I set him straight. Okay. Now, about that message I sent you. I might have been a little overexcited. Oh, shut up! I've been investigating a massive contract. Too massive for the plebs you use 404. This contract is different. Dangerous. Who is it? I will tell you. But first I have to trust you. And you have to trust me, you know? So, I'm gonna send you another 404 contract. Let's just get to know each other a little better. And how exactly do we know these targets are actually bad? Oh, there you go. Asking the right questions. Trust me. I did my research. I know every contract inside out and they're all part of the problem. London, the world. We'll be much better off with our help. Now, if you'll excuse me, I have to move this twat before he gets his strength back.
Laters. Not a trap. Sounds like we have a potential partnership with this mean, aggressive mystery woman. Give it a think and we'll discuss once you're out of Somerset House. Good call. Broker Tech has lived in the world in AI innovation. We orchestrated London's black camps. We brought Bagley to your optics. But our latest endeavor is something entirely new. Technology and humanity, two sides of the same coin. That is the heart of daring. A chance to leave the troubles of the world behind. Things may seem bleak now, but a new society awaits you. A society of peace and innovation, of love and prosperity. In the world of tomorrow. Daybreak is the future, and the future is very bright indeed. Broker Tech has lived the world in AI innovation. We automated London's black camps, we brought Bagley to your optics. But our latest endeavor is something entirely new. Technology. A chance to leave the troubles of the world behind. Things may seem bleak now, but a new society awaits you. A society of peace and innovation, of love and prosperity. You're not meant to receive updates when daybreak goes live. What should I do? That's a bad bitch right there. Don't reckon she rolls with zero a day, though. Her methods are confusing. But I appreciate her motivations. We should press on. If you decide to become gig economy hacktivists, then I'll support you, because I literally have no choice. There's a potential recruit you may want to check out. Pushing your location. None of your business. Control to all units. Possible hostiles near your location. Received. Watching for suspect. We are inbound. Stand by. Ready to immobilize the target. Control, target is now on foot. This is a nightmare. I'm going to have a look. I need cover. Find that suspect. No sign of the target. Over. Phew. Return to HQ. This is pointless.
what I said? Hey? Got your rocks off, yeah? Cunt. Oh. Sam. What the hell was that? Urgent call. Possible hostile at your location. Big mistake. Received. Mobilizing now. Out. There's our suspect. Run it. Jump it. I'm here. Well done. Let me tell you about your contract. The Nexus Tower holds a quantum computer used by Albion. It simulates civilian response to large-scale events. Mass arrests, deportations, bombings. So they feed all kinds of nasty stuff into this computer and it spits out whether people will take it? Gross! It's a minging piece of work. Destroy the quantum computer. That's the contract. Taking an Albion mandated timeout. You're up. I got you, Bags. Let's go finish up what they started.
33. Advise conditions. Closest units proceed to alarm location. Come on, drop. Bring it. You're a natural. Next step is to wait for now to get back to us. But don't wait here. That would be a shit idea. True say. All units. All units. Proceed to alarm location. Dead good. Glad to establish a foundation of trust. I'm ready to show you the contract I'm investigating. Go to the GBB. You shouldn't have any trouble finding her.